अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कोहिनूर 89 विद योर वेरी ओन होस्ट फराह हाशमी। वीकडेज़ का आगाज़ हो चुका है, मंडे है, ब्लू मंडे है, मगर हमारी यही कोशिश होगी और यही दुआ होगी कि आपके आने वाला जो पूरा हफ्ता है वो बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत तरीके से गुजरे, स्पेशली आपकी सुबह। और जनाब, आप ऑफकोर्स हम सब जानते हैं 14 अगस्त भी आने वाला है, एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं किस तरह की ग्रीन कलर में क्या क्या ड्रेसेस बनाऊँ। ये ना, अब हम बच्चों की तरह झंडे तो नहीं लगा सकते, बट अपने अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हैं, मिली नगमे सुन सकते हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी पुरानी और हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। सो आप ज़रूर इसको सेलिब्रेट करें, अपने अंदाज में करें, लेकिन करें ज़रूर। अच्छा, आज का शो, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आज मौका मिला है कि आज हम मैं हेल्थ पर बात कर सकूँ। एज़ वी नो कि हम सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हर इंसान अपने तरीके से और अपनी हद तक कोशिश करता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके, मगर जब भी हेल्थ की बात आती है तो हम अपने आप को बहुत महदूद कर देते हैं एक्सरसाइज तक। और शायद ये जो वर्ड एक्सरसाइज है उसको हमने खुद ब खुद लिमिट कर दिया है सर्टन चीज़ों से, लाइक अगर एक्सरसाइज करना है तो जिम जाना है, अब जी जिम जाने का टाइम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, एक्सरसाइज इज़ नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू जिम या डूइंग कार्डियो या किसी भी तरीके से, हम आज बात करेंगे योगा के बारे में। जी जनाब, बहुत फेमिलियर वर्ड है, हर इंसान जानता है योगा होता है कुछ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगा कैन क्योर डिज़ीज़? जी, आप योगा से बहुत सारी अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज है योगा में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज जिन गेस्ट को अपने शो पे बुलाने का मुझे मौका मिला है वो इसके पायनियर हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया पाकिस्तान में, बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं, साथ ही साथ उनसे हम पूछेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद है द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ग्रैंड मास्टर वसीम ताय, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत खुशी हुई आपने इस प्रोग्राम को हेल्थ के हवाले से करना चाहा ऐसा, और इंशाल्लाह ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि योगा से आप कैसे अपनी डिज़ीज़ क्योर कर सकते हैं ऐसा। जी थैंक यू सो मच सर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें पता नहीं होती हैं, हमें सिर्फ हम एक योगा को एक एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हर एक्सरसाइज आपके बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो क्योर कर सकते हैं सर। तो स्टार्ट करेंगे हाउ यू स्टार्टेड, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ अभी तक नहीं आई थी और अब आई है, तो उसके हवाले से हमें प्लीज़ जी। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, वैसे तो अभी मुझे माशाल्लाह कोई 40 साल के करीब हो गए हैं जी। 40 साल पहले लोगों को बिल्कुल इसका मालूम नहीं था कि योगा क्या चीज़ है और ये क्या कैसे करते हैं, और लेकिन अब क्योंकि बहुत हमने इसमें काम किया, बहुत मुख्तलिफ शहरों में जाके लोगों को अवेयरनेस दी और लोगों को बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल है ऐसा जी। जिस वजह से जो है बहुत से लोग हमने क्योर भी किए हैं ऐसा, और इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि स्पेशली जिम जाने का टाइम नहीं है कुछ ऐसा है, तो ये इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप कहीं भी बैठ के योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एक लंबी फ्लाइट पर कहीं जाते हैं कनाडा आए, तो वो जहाज़ में भी योगा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक मैट की ज़रूरत हो या एक सुबह सवेरे उठ के करने की ज़रूरत हो, क्योंकि अक्सर हमें पता है कि भाई योगा जो है ना, योगा सुबह सुबह होता है, उसके लिए एक योगा मैट चाहिए होता है, साइलेंस चाहिए होता है, ओपन एयर चाहिए होती है, तो लिमिटेशंस होती हैं योगा करने में कि नहीं? देखें, ये हर चीज़ को जैसा आप अच्छा करेंगे उतना फ़ायदा होगा जी, लेकिन एक तरफ आप देखें कि आप कुछ नहीं कर रहे तो ना होने से वो बेहतर है, क्योंकि आप दुनिया में, आपको पता है पूरा वर्ल्ड में ऐसा है कि टाइम का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हर आदमी के पास टाइम नहीं है ऐसा, तो उसमें बेहतर ये होता है कि जब आपको टाइम मिले आप उसको ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको 100% उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो 80% तो ज़रूर हो रहा है ऐसा, तो इसलिए ना करने की कोई वजह नहीं है। कोई टाइम उसमें अच्छा है, अगर आप मॉर्निंग उठते हैं तो मॉर्निंग में बड़ा अच्छा है, आप नमाज भी पढ़ लेंगे और साथ आप अपनी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और वेदर भी उस टाइम आपको पता है पूरा डस्ट, हर चीज़ जो उनसी है वैसी नहीं होती जो एक सारे दिन में होती है ऐसा। तो लेकिन इंडोर आउटडोर की कोई इस तरह की है लिमिटेशंस?
देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि होता है, लेकिन अब क्योंकि वो वक्त के साथ साथ है, अब आपको पता है कि इंडोर बहुत से मतलब ऐसे जिम हैं और ऐसे स्टूडियोज बने हुए हैं जो इंडोर होता है ऐसा, और अगर आप आउटडोर करते हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं है तो इंडोर भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं, योगा की हिस्ट्री पे। तो योगा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? अक्सर हम लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी योगा एक सर्टन रिलीजन को इंडिकेट करता है, तो ये कितना सच है कि क्या इसका कोई रिलीजन से ताल्लुक है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ये है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ को स्टैब्लिश करने का होता है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई, लेकिन अब वो इंग्लैंड की तो नहीं होगी, अब तो पूरी दुनिया में हर अच्छा जो अच्छा खेलता है वही चैम्पियन है। इसी तरह योगा इंडिया में है, उनकी बहुत सी जगह हैं, विशाखापट्टनम है, पौंडाचेरी है, लेकिन ये जो योगा है ये मोहनजोदड़ो के जितने भी आप पुराने उसको देखेंगे तो उनके वहाँ भी इसके पोस्टर्स जो हैं वो बने हुए थे उनकी दीवारों पे, और यानी ये इतना पुराना ये आर्ट है ऐसा। लेकिन क्या चीज़ है कि उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है, उन्होंने इसको इंडिया में, लेकिन अब इंडिया का नहीं है, पूरी वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएँ तो योगा तो अब एक साइंस है जो कि अब हर कंट्री जो है इसको इस्टेब्लिश कर रहा है, और लोगों ने किया है, हमने पाकिस्तान में किया है, और माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। असल मेडिटेशन और योगा में क्या कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क है? देखें, इसमें टाइप्स हैं बहुत सारी, जैसे फिजिकल योगा है उसमें आपकी बॉडी का वो होता है, मेडिटेशन जो स्पिरिचुअल आप करते हैं उसमें माइंड आपका इन्वॉल्व होता है, तो सब में है, लेकिन वो स्पेशली रिलैक्सेशन के लिए आपको वो सारा करवाया जाता है। तो इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि अगर आपने कोई डिजीज क्योर करना है तो उसमें योगा थेरेपी आ जाएगा, तो उसको हम थ्रू योगा थेरेपी के उसको क्योर करेंगे ऐसा। तो योगा की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि उसमें हाथा योगा है, कर्मा योगा है, जनाना योगा है, भक्ति योगा है, क्रिया योगा है, तो बहुत सारी, राजा योगा है, तो बहुत सारी टाइप्स हैं। उन सब में से जो बेस्ट है, अब देखना ये होता है कि अब जैसा मुझे माशाल्लाह को 40 साल से मैं करवा रहा हूँ ऐसा, तो मुझे उसमें से ये देखा है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए बेहतर है ऐसा, यानी कि जो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि किसको किस टाइप का योगा करना चाहिए। यस यस, मतलब एक तो फिजिकल योगा है फॉर फिटनेस, तो फिटनेस के लिए तो एक आप यूँ समझें कि मैच करता है, क्योंकि सबका एक जो रूटीन ऐसी ही होती है कि वेट लॉस करना है या बॉडी को आपको शेप में लाना है, तो वो एक्सरसाइजेस तकरीबन जो है वो सेम होती हैं। लेकिन अगर कोई डिजीज़ है तो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ आपको वो करवाया जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए की बात करें तो उसके लिए उसमें फिर मेडिटेशन, उसमें फिर हम लोग वो करवाते हैं ऐसा। एंड फॉर ग्लो, स्किन ग्लो के लिए, स्किन एक्चुअली ये होता है कि फिजिकल योगा के अंदर ही आपके फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे हम बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टाइट हो जाते हैं, जो स्किन सैग आपकी की होती है वो टाइट हो जाती है, तो इसी तरह आपका फेस का भी एक्सरसाइजेस होती है जिनको करने से फेस जो है सैग नहीं करता, फेस का साइज बड़ा नहीं होता, जैसे वक्त के साथ साथ शक्ल चेंज हो जाती है, ये जॉज जो बाहर निकल आते हैं, ये चीजें नहीं होती। तो इसका रिजल्ट कितने टाइम तक हमें देखने को मिल सकता है? देखें, उसमें माशाल्लाह मेरे पास अभी जो लोग कर रहे हैं वो जो मैक्सिमम जिनकी एज है वो 80 इयर्स की है, जो है 80 साल तक के लोग मेरे पास कर रहे हैं, और जो माशाल्लाह हमारे पास 60 से ऊपर है। जो ये योगा का रिजल्ट अगर हम बात करें मेंटल स्ट्रेंथ या स्किन के लिए, तो कितने अरसे तक हम करेंगे कि हमें रिजल्ट शो हो जाएगा? जी, ये 15 डेज के बाद आपका फेस शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो सर, हम मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हम अभी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके। जी 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 जी, प्लीज सर कैमरे में। जी जरूर, उसमें फर्स्ट आपको जो है वो आप मतलब दिन में कोशिश करें, अगर एक दफ़ा हो जाता है या दो दफ़ा हो जाता है तो उसमें आपने ब्रीद इन करना है, ओके, और उसको आपने कोशिश करना है मूव करना है राइट लेफ्ट, जी राइट और लेफ्ट, आप इसको 10 टाइम्स करें, और दिन में अगर आप एक दफ़ा कर लें तो बहुत है, अगर दो दफ़ा कर लें तो और ज़्यादा अच्छा। इससे फेस स्लिम होगा।
नहीं, इससे नहीं, ये एक्चुअली आपकी जो फेस का आप यूं समझें कि जो आपकी झुर्रियां हैं, जो रिंकल्स हैं, उसको ये उसके लिए ऐसा मिनिमाइज करने के लिए, जी उसके लिए। एंड सेकंड, आपकी ये जो लाइन है लाफ लाइन, ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है जी। और ऐसे हो जाता है कि जैसे एक बहुत, तो इसको आप अपनी जुबान के साथ यहाँ अंदर से ओके ज़िगज़ैग आप इसको करेंगे दोनों तरफ से, तो ये भी इसी तरह आप उसको 10 times इधर और 10 times आप इसको इधर करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक। और जो थर्ड उसमें स्किन ग्लो, अक्सर खवातीनों को इशू होता है, यस यस, उसमें मतलब ये है कि ये आप ये वाला आप करेंगे और साथ ही उसमें आप जो सा है अपनी जो ये कॉर्नर है, सही मैं बता रहा हूँ, फेस को थोड़ा स्लिम करना है, स्लिम करने के लिए, तो ये जो कॉर्नर है आप सो इसको आप इंडेक्स और मिडल फिंगर अच्छा। इसके साथ आपको प्रेस करना है, प्रेस करना है आपको 10 seconds जो सर टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउनसाइड, यस बोथ जो है, यू आप जाएंगे और यू आप फिर वापस आएंगे, यू आप आएंगे ऐसा। और इसका प्रेशर कितना रखना है हमने? बहुत कम, बहुत नहीं कि आप उसको ऐसा करेंगे। और जो ग्लो के लिए आप कर रहे हैं ऐसा, उसमें ये होता है कि आपको अपना जो लोअर जॉ है उसको पुश करना है ओके, और सेकंड स्माइल 10 times आप इसको करेंगे ऐसा। वैसे तो हजारों हैं, तो अगर ये 3-4 इफेक्टिव है अगर आप ये करते हैं। और एक और लास्ट जी कि आपको अपनी डबल चिन के लिए नीचे का होंठ ऊपर लगाना है और इसको 5 times जो है लाजमी आपको करना है, यू आप होंठ उठाकर इसको ओके, ये 1 यहाँ स्ट्रेच होगा, तो ये आप 5 times जो है इसको लाजमी आप करें। और ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो फेस को आपको साइज बड़ा नहीं होने देते हैं, या आप समझे कि वंडरफुल आई एम गोइंग टू डू दैट। और फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसका इफेक्टिव है कि नहीं। मगर सर होता है कि अक्सर डिफरेंट बॉडीज पे कुछ चीज़ें असर कर जाती हैं, कुछ नहीं कर जाती, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी टाइप को जानना। सॉरी आपकी बात जो है, एक्चुअली जो टीचर होता है वो इसीलिए होता है, मतलब अब हमारे पास जो लोग आते हैं तो बहुत से लोग हैं बड़ी दूर जगहों से आते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो एक अलग लोग हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो फॉर फिटनेस, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब क्या है कि उनके पास घरों में जिम भी है, उनके पास सारा कुछ है, लेकिन ये वहाँ नहीं कर सकते विदाउट टीचर जो है, वो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो करते भी हैं, मतलब ऐसा है कि मेरे माशाल्लाह शागिर्द हैं मौलाना तारिक जमील साहब जो है, ओ वाओ ये तो मैं पता ही नहीं था तो अच्छा वो भी योगा करते हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब एक चीज तो मेरे व्यूअर्स को क्लियर हो गया कि योगा किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, और इसका कोई ताल्लुक इससे, आपको कोई गुनाह और गुनाह कबीरा नहीं होगा अगर आप योगा करेंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, आपकी एक तो गुस्सा भी बहुत कम हो जाता है, मैंने सुना है बहुत काम हो जाता है, जैसे कि अभी सर हैं बहुत काम और कोई हसल बसल नहीं लाइफ में। जी जी, इसमें सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है, आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आप नमाज अच्छी पढ़ते हैं, यानी आप देखेंगे जब आपको नमाज पढ़ना है आपको सब काम याद आना है, लेकिन ऐसे ही होता है। लेकिन जो योगा करता है उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, वो एक जगह फोकस कर सकता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम ये चीज करवाते हैं, हम अल्लाह का नाम जो है उसको फोकस करवाते हैं, और उसको कैसे आपने अंदर लेके आना है थ्रू ब्रीदिंग, और कैसा दिल के अंदर उसको आपने ऐसा उसको राउंड देना, तो ये एक पूरे प्रोग्राम होता है जिससे आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी इबादत में भी फर्क पड़ता है ऐसा। तो योगा एक बेस्ट एक प्रोग्राम है जो मतलब हम तो क्योंकि कोशिश होती है कि दुनिया में और पाकिस्तान में हर जगह हर एक को मैं करवाता हूँ, उसमें कोई ऐसा वो बाउंड नहीं है कि पैसे नहीं है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हमें हम उनसे चार्ज करते हैं, अदरवाइज जो नहीं कर सकते उनके लिए फ्री है। अब जो मेन पॉइंट कि योगा से कौन कौन सी डिजीज क्योर हो सकती है और किस लेवल की हो सकती है, और ये जो आपने इंट्रोड्यूस कराया वो आपने किस तरह से ख्याल आया, क्या आपने सोचा कि इसको हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, इसमें बकायदा जो है क्योंकि एक आप यूँ कह लें कि जैसे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जी, तो इसी तरह योगा के अंदर योगा थेरेपी भी एक पूरा सब्जेक्ट है जिसपे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया
बहुत से लोग ऐसे, ये जो मैं बता रहा हूँ मौलाना साहब, एक्चुअली ये भी मेरे पास इनका भी फ्रोजन शोल्डर था 2005 में। तो डॉक्टर्स कहते थे कि नहीं आपको ऑपरेट ही करवाना होगा, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने बड़ा कर्म किया और अल्लाह ताला ने शफा दी। और इसी तरह जो कॉमन डिजीज़ है, मतलब जैसे कि जो आजकल हर एक को है, जिसमें कमर का दर्द है हर एक को है, आपका जैसे नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आपको वर्कलोड, तो आपको सर्वाइकल का इशू हो सकता है ऐसा, उसमें फ्रोजन शोल्डर है ऐसा, मतलब ये चीज़ें वो हैं जो तकरीबन हर एक को हैं। ऑर्थराइटिस जो है वो आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, उस वजह से आपको है। घुटनों का प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन मैं यही सबको कहता हूँ कि अगर कोई आपको कहता है कि इसको आप रिप्लेस करवाएं ऐसा, तो उससे पहले हमसे ज़रूर वो मिलें, और ज़रूर हमारी कोशिश होगी कि वो नहीं हो, मतलब जो है उनको कोई आर्टिफिशियल जो है वो नहीं काम करवाना पड़ेगा। इस मेडिकेशन को कितना टाइम लगता है, मींस कि ये जो हमारा प्रोसीजर है, अगर किसी को बैक पेन है फॉर एग्जांपल? जी वो मेडिटेशन में नहीं आता बैक पेन, तो ये है कि एक हफ्ते में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, मतलब आप यूँ समझें कि फर्स्ट और सेकेंड सेशन में उसको प्रोग्रेस फील होती है कि मैं बेहतर हूँ ऐसा। अच्छा, ये पर सेशन कितने मिनट्स का होता है? जी इसमें 50 मिनट्स का भी होता है और 1 आवर भी होता है, कुछ सेशंस लंबे होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं, तो 50 मिनट तो जहन में आप उसको रखें कि लास्ट। और ये वीक में कितनी दफ़ा होता है? जी हमने इसमें वीक में 4 डेज अ वीक किया, 4 डेज अ वीक। जी उसमें आपका स्केड्यूल इतना टाइट नहीं होता कि आप हफ्ते में अपने लिए 4 दिन ना निकाल सकें। अच्छा, अब हम मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये आपके जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, और उनकी टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ, ताकि जो जो व्यूअर्स आना चाह रहे हैं आपसे करना चाह रहे हैं साथ, तो फिर। जी जी उसमें अभी हमारा एक तो लाहौर में है सेंटर। अच्छा, लाहौर में, यानी कंट्रीज वाइज बता देना कि किस किस मीन्स के सिटीज, सॉरी। और मेन सेंटर हमारा लाहौर डिफेंस में है, हेड ऑफिस जो है फिर फैसलाबाद में है, और बाकी सब आप साथ साथ देख रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ने वसीम ताइफ से ही सारे सेशन लेने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि हमारे क्वालिफाइड हैं इंस्ट्रक्टर्स जो है, मैं उनको भी देखता हूँ जाकर, मतलब मुख्तलिफ शहरों में है, वैसे तो हमारी जो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में। अच्छा, तो अगर हम बात करें किसी अगर मैं जॉब से 9 बजे फ्री हूँ, तो क्या मैं 10 बजे योगा कर सकती हूँ? जी नहीं, उसमें टाइमिंग्स हैं, उसमें ये है कि जैसे जो वर्किंग है, तो वर्किंग के लिए 2 टाइमिंग्स हैं, एक तो सुबह वो ऑफिस से पहले आके कर सकते हैं ऐसा, और अच्छा, और एक हमारा टाइम है शाम में। अच्छा अच्छा, जी जी, 7:15। जी जी। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि ये तो एक बहुत अच्छा उन लोगों के लिए है जो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते या चीज़ें नहीं लेना चाहते, तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब सर हम बाकी आपकी अचीवमेंट्स पे बात करें। जी जी। तो उसके हवाले से आप कराटे और यानी बहुत सारी चीज़ें आप हमें प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली उसमें ये है कि मैं वर्ल्ड स्टाइल ग्रैंड मास्टर हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ों में मतलब मैंने इसमें स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें मेन योगा मैंने पाकिस्तान में मैंने बताया, इंट्रोड्यूस करवाया, और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको इस साल आलमी एजाज़ मिला है बेहतरीन उस्ताद का, 28 जनवरी को मलेशिया कुआलालंपुर में ऐसा। तो उसमें हमें एक बड़ी थैंक यू, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसमें एक पूरा प्रोसेस से हम गुजरते हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का तराना, और सबको उसमें खड़ा होना पड़ता है, तो हमारे लिए एक बार हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सर हमारे लिए भी उतना ही प्राउड मोमेंट है। हाँ जी, कि आप जैसा टैलेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, एक स्पोर्ट्समैन के लिए यही चीज सबसे बड़ी खुशी होती है कि वो कहीं भी जाता है और अपने मुल्क का वो जब बाहर देखता है, और जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर में पाकिस्तानी हैं, उनकी खुशी की इंतहा होती है, वो और ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमने पूरे पाकिस्तान में नॉन कमर्शियल एक नेटवर्क बनाया हुआ है, क्योंकि कराटे क्लासेस भी होती हैं उन बच्चों के लिए, जो बच्चे जिन बच्चों के पास कोई वीडियो गेम्स नहीं है, प्लेस्टेशन नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें वो अपने आप को बिजी कर सकें, तो जब वो नहीं करते तो अपनी एनर्जी मिसयूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में हमने गवर्नमेंट से जगह ली हुई हैं, फ्री वो हमें मिली हुई हैं, लेकिन वहाँ जो हमारे इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड हैं वो बकायदा टीच करते हैं, उनको हम लोग
पे करते हैं और उन बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं जो एक बिल्कुल इलिटरेट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उनको खड़े होना नहीं आता, बात नहीं करना आता, यस, और थ्रू कराटे ट्रेनिंग जो है तो बिल्कुल। असल में बात करें, क्या ये किसी जेंडर तक महदूद है, मींस कि सिर्फ बॉयज ज़्यादा करते हैं या लड़कियों को भी उतना आगे आने का मौका मिलता है? देखिए, आप मार्शल आर्ट की बात करेंगे? जी, मार्शल आर्ट, कराटे, ओवरऑल, जी। लेकिन अभी एक, अब आपने देखा है कि कुछ ट्रेंड चेंज है, मतलब अभी आप देखेंगे गर्ल्स भी उतना ही वर्क कर रही हैं, बॉयज भी, एक ट्रेंड चेंज। शायद ज्यादा जरूरत है सेल्फ डिफेंस की, यस, तो उसके हवाले से बताएं कि मोटिवेट करना चाहिए, ये सिर्फ लड़कों तक महदूद रह सकती है या फिर लड़कियों में भी इतनी स्ट्रेंथ है कि हम उसे एज अ करियर या एज अ सेल्फ डिफेंस ले सकें? जी, एक तो सेल्फ डिफेंस कोर्सेज है, वो अभी हमने पिछले जो है लास्ट ईयर भी हमने करवाया है, अभी फिर हम स्कूल्स और कॉलेजेस में फिर से शुरू करवा रहे हैं जो 10-15 डेज का होता है। जी, तो हर लड़की को आना चाहिए क्योंकि अभी आप देखते हैं कि सब लड़कियां और सब जितने भी ऐसा हैं वो अकेला मूव करती हैं ऐसा, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है सोसाइटी में मूव करने के लिए। बिल्कुल, लड़ने की नौबत बहुत कम आती है, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप एक वेल ट्रेंड है तो आपको आपको अब जाना आना, आपका बैठना और तरह का होगा, आप में एक और तरह का कॉन्फिडेंस होगा, तो ये कोई भी जो है ना इस चीज को जज कर लेता है ऐसा। तो मेन चीज आपका कॉन्फिडेंस है जो आफ्टर ट्रेनिंग आप में आ जाता है ऐसा, तो वो हम लोग बहुत से मतलब ऐसे प्रोग्राम्स हमारे होते हैं साल में जो हम शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं गर्ल्स को, और उसमें बड़ी एज के भी लोग करते हैं, छोटी भी करते हैं। अगर प्रोफेशनली एज अ करियर, जी जी, योगा मास्टर हो गया, क्योंकि अक्सर तो मैंने देखा है कि फीमेल भी योगा मास्टर्स होती हैं और जी जी, वो भी इसको एज अ करियर ले रही हैं, तो उस हवाले से बताएं कि लड़कियों के लिए कितने मौके हैं इस फील्ड में? देखें जी, अब मुझे तो एक चीज़ की खुशी होती है क्योंकि जो पौधा मैंने लगाया था जी, अब वो मुझे हर जगह नज़र आता है, पार्क्स में नज़र आता है, कहीं नज़र आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कराता हूँ, सब अच्छा कराते हैं। देखें, जो लोग भी करवा रहे हैं उनकी मेहनत है, उन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया, इस पर मेहनत की और फिर रेगुलर इसकी क्लासेस भी ले रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज ए करियर जो है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ये सबसे यही चीज़ है कि कोई काम भी अगर आप करें तो उसको कंप्लीट, उस पर आपको पूरी जो है ना आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो ऐसा, ताकि आप जो है वो। तो सर, यहाँ पे डू यू थिंक कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं? है नहीं, है गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, तो बीइंग आप एक स्टेटस में, तो क्या आपने कभी प्रपोजल आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की कि वी नीड अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जहां पे इस तरह से मार्शल आर्ट या कराटे या योगा इन सबको एक प्रॉपर डिग्री दी जाए? जी जी, वो है ऐसा, कराटे प्रोग्राम तो हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ा एस्टैब्लिश है, योगा का भी हमने किया है और अब इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी एक सब चेंज आप समझ रहे हैं कि चेंज आया है हमारे पाकिस्तान में, तो उसमें देखेंगे कि स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारी हर गवर्नमेंट में कोशिश होती है कि हम जाके ज़रूर उनको बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पीछे जा रही हैं, तो इसको आप इसकी बैक करें और इसको ताकि हम लोग आगे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएँ, तो वो हम काम कर रहे हैं। आपको पता है थोड़ा वक्त लगता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा स्लो हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक तो हमारा इंस्टीट्यूट है कि अगर वहाँ कोई आके वो करना चाहता है, क्योंकि योगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमारे थ्रू जो भी बच्ची हैं और बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है और बाकायदा रिकग्नाइज होते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के साथ हमारी एफिलिएशन है, तो वो काम तो शुरू है लेकिन थोड़ा अभी और टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन कि अभी मार्केट में ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स आ रहे हैं फॉर वेट लॉस, ठीक है, कभी कोई जुम्बा डांस आ रहा है, कभी कोई पता नहीं कितने डेज चैलेंज, 30-40-50 डेज चैलेंज आ रहे हैं, अब पिलाटेस एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सर क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हम वेट लॉस के चक्रों में होते हैं या वेट लॉस करना चाहते होते हैं, हर जेंडर अगर हम बात करें, तो सर डिफरेंट ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या वो परमानेंट रिजल्ट देती हैं, फास्टेस्ट होती हैं? देखिए 40-50 डेज में हम वेट तो कम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे आफ्टर 51 डे में हमने करना क्या है और हमने अपने जो वेट कम किया है उसको मेंटेन कैसे करना है, तो उस हवाले से योगा कैसे बेहतर है? देखिए, अभी जो आपने 40 डेज और ये
कि मैं उस पर वो नहीं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा, जो करवा रहा है वो ठीक करवा रहा है। देखिए जी बिल्कुल ठीक, हर आदमी जो आता है वो रिजल्ट मांगता है, कहता है कितने डेज में मुझे रिजल्ट मिलेगा, 10 डेज में 40 डेज में, तो वो भी उन लोगों की मजबूरी है कि वो 40 डेज में उनको इस हद तक इस एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि वेट उनका जो है कम होना शुरू होता है। मेन चीज़ होती है एंड आफ्टर ट्रेनिंग मेंटेन जो है कि आप उस चीज़ को कैसे वहीं पर रखते हैं सर। तो योगा में सबसे बड़ी ये क्वालिटी है कि योगा आपको, एक तो आप फेड अप नहीं होते, आप मतलब ये है कि जैसे अभी आपको सुबह उठ के 10 किलोमीटर भागना है या 1000 times आपको जंपिंग करना है तो आप कुछ दिनों बाद भागना शुरू हो जाएंगे। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपका दिल करेगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया। योगा एक एडिक्शन है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसमें वेट लॉस के लिए स्लो प्रोसीजर है सर, स्लो है लेकिन हम उसके साथ कार्डियो भी देते हैं क्योंकि उसका ये होता है कि अकेला योगा जो है वो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकता और देता है लेकिन बहुत एडवांस लेवल पे फिर योगा को करवाना पड़ता है। जो बिगनर्स हैं वो अभी फौरी तौर पे वो पोस्चर्स कर नहीं सकते, तो इसलिए साथ कार्डियो का एक सेशन साथ होता है जिससे आपका स्टेमिना अच्छा हो जाता है, आपके मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी बर्न होते हैं। और सर सबसे अच्छी बात अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी कि योगा जस्ट वेट लॉस के लिए नहीं है, आपको वेट लॉस के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की। सर जैसे हम बात करें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और परफॉर्मेंस की, तो योगा से पहले या नॉर्मली अगर जो मेरे व्यूअर्स वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी कोई ड्रिंक या कोई फूड में कोई ऐसी चीज़ जो आप बताएं कि जो उस वेट लॉस के प्रोसीजर में हेल्प करे। आई नो कि खाने पीने से कोई वेट लॉस नहीं हो जाता, आप 3-4 किलो शेड नहीं कर देते, बट आपकी मेटाबॉलिज्म आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाती, तो उसके हवाले से हमें कोई टिप्स दे दे। उसमें ये है कि सबसे पहला चीज तो आप अपना इनटेक देखें क्या है, मतलब आप देखें कि अगर आपने 400 कैलोरीज बर्न किया है तो आपका इनटेक जो है वो 4000 है, वो कभी भी असर देखें। नॉर्मली हम कैलोरीज को मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कह रहा, लेकिन एक अंदाजा होता है, आपको ये तो पता चलता है कि आज मैंने बहुत खाया और ये भी पता चलता है कि आज नहीं खाया है। लेकिन सर इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी एवरीवन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम इस हेल्दी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ब्रेक। जी वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9 विद मी फराह हाशमी, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो वसीम ताय है जो कि योगा के पायनियर रह चुके हैं और वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और ब्रेक से जाने से पहले हम उनसे पूछ रहे थे कि वेट लॉस के लिए फूड कितना हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फूड से आप अपने कोई पता नहीं 3-4 किलो शेड नहीं करेंगे, लेकिन यस आपकी टेक्निक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड आपको हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सर प्लीज़ कंटिन्यू, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से हम मैयर कर सकते हैं पोर्शंस को। जी उसमें ये है कि अगर आप अपने एक चीज़ को डिसाइड करना है कि आपको वेट कैसे कम करना है, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। डाइट में आप ये देखें, ये नहीं करें कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें आप मतलब उसमें एक डाइट होती है जो आप एक स्पेशल डाइट करते हैं और कुछ अरसे के लिए करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कोई बोलता है जी बनाना डाइट है कुछ ऐसा है, और फिर उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप इतना खाते हैं, इतनी अजीब अजीब आज तो इतने मुश्किल मुश्किल नेम आ गए तो बंदा मुश्किल होता है कट करे कैसे इंसान। जी वो नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता उसको, आप हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। बेस्ट ये होता है कि आप सुबह जब उठते हैं उसमें सबसे पहले तो आप अपना पानी का आप यूज करें, अगर आप पी सकते हैं नींबू वगैरह वो डाल के तो एक ग्लास आप नीम गर्म पानी का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी जी बड़ा फर्क पड़ता है, एक तो आप वो सुबह लेना शुरू करें और फिर ऐसी चीजें लें जो आपकी जो दूसरी, जैसे अगर आप रोटी अगर आप छोड़ते हैं तो आप उसके लिए 7 खजूर ले सकते हैं, ऐसा दो आप वो ले सकते हैं ताकि आपकी जो है जो रोटी। लोग सर खजूर के साथ फिर नाश्ता भी कर रहे होते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि खजूर इट्स अ प्रॉपर मील, अगर आप 3 खजूरें खा लें तो वो आपका नाश्ता है, राइट सर। जी जी, तो उसमें आपको कुछ इस टाइप का डाइट लेनी है जिसमें आप 2 खजूर ले सकते हैं, एक छोटा कप जो है आप मिल्क ले सकते हैं ताकि आपकी जो बॉडी के जो एक नीड है वो भी पूरी रहे, कि ये नहीं आप सब कुछ छोड़ दें तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं। फिर इसी तरीके से आप
11 बजे देखें, अगर आप एक जूस ले सकते हैं फ्रेश, आप वो एक ग्लास लें। और अगर फ्रेश जूस अवेलेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स आई वुड नेवर सजेस्ट कि कोई कैन या पैकेट टेट्रा पैक वाले जूसेस पिए। बस वो हमारी अब एक मजबूरी है, अगर फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, इसी तरीके से आप लंच अपना वो एक सैलेड कर सकते हैं आप। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा कि सबसे हैवी मील दिन का ब्रेकफास्ट होना चाहिए? जी जी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दिन का आगाज थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट से करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम ब्रेकफास्ट हैवी कर लें, उसके बाद लंच में हम सैलेड या रात में हम कुछ ग्रिल कोई भी चीज ले लें? उसमें एक टेक्निक ये भी होती है कि ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छा लेना है, लेकिन हेल्दी फूड लेना है। आपने ये नहीं कि दो पराठे खा लेने हैं, अंडे खा लेने, ऐसा नहीं। फिर उसके साथ आप लेकिन सर देखें करीना कपूर जो है उन्होंने पराठे खा खा के साइज जीरो किया था, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? वो भी तो पराठे खाती थी। वो 100 टाइम्स जो है सन सैल्यूट करती है, 100 दफा जी। जो हम लोग आम रूटीन में 6 दफा करवाते हैं, 6 दफा हम लेडीज को कराते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर थोड़ा सा हम बता सकते हैं व्यूअर्स को किस तरह से होता है सन सैल्यूट? एक्चुअली वो पूरा एक मैट के साथ होता है, लेकिन लोग जानते हैं वो एक सन। एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग इंडियन नेम्स जो है हम नहीं, मैं नहीं यूज करता जी। इंडिया का जो उन्होंने किया मैं नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज को भी एक वो अच्छा उसका तासर नहीं है। जस्ट बिकॉज़ वो इंडिया से, अगर यूके, कनाडा, अमेरिका से होता तो कोई इशू ना होता। जी नहीं जी, उनके अपने नाम है। अब ये सन सैल्यूट जो है ये आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इंडियन नेम लेंगे तो वो और चीज हो जाएगी, उसके ऊपर कई बातें भी होंगी। ऐसा तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें 12 स्टेप्स है, तो उसमें आप अब करीना कपूर जो है उसको 100 दफा करती है सर, तो जब आप 100 टाइम्स करेंगे तो आपका तो बर्न होना शुरू हो जाएगा। बर्न होना शुरू हो जाएगा। ये एक फर्क। हाँ, तो जो लोग अपने नाश्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनको पूरियां और पराठे ही खाना है, तो उनके लिए ये सोच ले कि अगर आपको साइज जीरो चाहिए तो यू हैव टू गिव 100 टाइम्स सन सैल्यूट। लेकिन जीरो साइज चाहिए फॉर स्क्रीन जी। हाँ, मतलब वैसे जीरो साइज बुरा लगता है। सर वो जो भी वेट लॉस करने के लिए चाहती है ना लड़की, वो ये सोचते कि मैंने साइज जीरो बन के ही रहना है। नहीं, उस पे आपका जो फैट है ना बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो बहुत नीचे आ जाता है। अभी हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जो करती हैं, जिन्होंने अपना फैट बहुत नीचे बहुत ज्यादा, जो कि बेहतर नहीं होता बॉडी के लिए। तो उसमें यह है कि अपना ब्रेकफास्ट आप अच्छा रखें जी, और दोपहर के टाइम आप सैलेड वो लें, और रात जैसे आप उसमें यह कि आप बोर नहीं होंगे, आप उसको हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, वेदर चेंज होता है, तो आप फिश लेना शुरू करें। अगर वेदर नहीं है तो शाम को आप कोई भी ग्रिल जो है कोई चीज ले सकते हैं। तो अगर आप ये रखते हैं, और फिर आप एक चीटिंग डे भी रख सकते हैं। चीट डे या वो मस्ट है, आप सैटरडे संडे आप वो कर सकते हैं, एक अच्छा मील लें, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आपको उसको कंपनसेट करना है। यानी नेक्स्ट डे ये नहीं है कि आपने फिर एक बड़ा मील लिया तो वो फिर आपका जो फैट है वो बनना शुरू होगा। नेक्स्ट डे आपको अवॉइड करना। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने कैलोरीज लिए हैं। जब मुझे केक खाना होता है ना, तो मैं पूरे 15 दिन पहले ही शुगर खत्म कर देती हूँ अपनी तरफ से कि अब मैंने इस टाइम पे केक खाना है, तो मैंने और कुछ मीठा नहीं खाना। तो आई गेस ये आप जब अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपकी डाइट और बेहतर हो जाती है। सर अगर हम बात करें कि एक बहुत इशू आता है कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फैट्स डिपॉजिट होते हैं जी जी, कि कुछ लोगों के फेस पे हो जाते हैं, कुछ लोगों के लोअर थाई में हो जाते हैं, तो इस पे छोटी सी हमें कोई टिप दे दें कि किस तरीके से इसके एक्चुअली ये होता है कि वॉक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वॉक आपकी नेक एक्सरसाइज नहीं करेगी, उसको नहीं ठीक करेगी। तो हर पोर्शन का अलग से एक्सरसाइज है। हर अगर आपको थाइस कम करना है तो उसके लिए है, अगर आपको हिप्स कम करना है उसके लिए, एब्स के लिए अलग है, बाजुओं के लिए अलग है। तो उसमें आपको ये है कि हर एक अलग अलग से वो एक्सरसाइज आपको उसी चीज़ को से रिलेटेड होती है, और आपको महसूस होता है कि मेरे यहाँ से जो है वो कम हो रहा है ऐसा। तो वैसे अगर आप वॉक कर सकते हैं तो बहुत वो अच्छा तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के फैट्स के लिए अच्छी है। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव आज शो था मेरे व्यूअर्स के लिए भी, और इसका हम पार्ट टू जरूर करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। जी एवरीवन, देखें आज मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, तो सुबह सवेरे आपको मंडे वाले दिन इतनी अच्छी टिप्स, और उसको प्लीज़ इंप्लीमेंट जरूर करें जो उन्होंने फेशियल एक्सरसाइज
बताएं, मैं भी करूंगी, आप भी करें और हमें बताएं, और इस शो का हम पार्ट टू ज़रूर करेंगे, इन्हें दोबारा तकलीफ देंगे। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम सब ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखें, कल फिर मुलाकात होती है इसी टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।